सरकार बनाने के लिए तैयार है और 2024 का भी हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, 2024 में भी मोदी जी की सरकार बनेगी। विपक्ष 2029 के लिए तैयार रहे, हमारा ये संदेश है। विपक्ष ने इतने कोशिशें की तब भी नहीं जीत पाई वो। विपक्ष तो झूठ का पुलिंदा है ना, विपक्ष का सच्चाई है नहीं, झूठ का पुलिंदा है। इसलिए लोग जो समझ चुके हैं कि विपक्ष में है क्या, कुछ नहीं, विपक्ष झूठ बोलता है। झूठ की वजह से आज सच्चाई के साथ है पूरा विपक्ष ने, पूरा भारतभर, भारत की 125 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। ये जो पारी हो चुकी है 300 पार हो चुकी है, 300 पार नहीं 350 के पार जाएगी। मोदी जी का मिशन 350 था मोदी जी का, वो भी पूरा होने को तैयार है। राहुल गांधी हम क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी तो पप्पू है वो, इसको उसके लिए हमने लिखा हुआ है। राहुल गांधी इटली जाकर के वो यहाँ से बाहर चला जाए, वहाँ जाकर के अपनी शादी की तैयारियाँ करे। अब उसकी उम्र भी हो चुकी है, उसे शादी करनी चाहिए। आप ही देखिए, प्रियंका वोड्रा ने यूपी में इतनी कोशिश की, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाई। गठबंधन की बोल रहे हो? गठबंधन कुछ भी नहीं, गठबंधन ना के बराबर है, गठबंधन जीरो है। अखिलेश और मायावती दोनों बुआ बबुआ है, उनमें पहले कभी बनती नहीं थी। मुलायम सिंह कभी भी उनको चाहते नहीं थे। बीजेपी क्या कहेंगे इस बारे में? चौकीदार चोर गया कांग्रेस का चेन, बहुत चोर चोर कर रहे थे राहुल गांधी। ईमानदार जनता ने ईमानदार देखा, चोर ने चोर देखा, इसलिए चौकीदार चोर चोर कर रहा था। अब जनता ने दिखा दिया, इस देश की पूरी जनता ईमानदार है, ईमानदार आदमी दिखा मोदी, इसलिए जितने नंबर इन्होंने बोले थे उतने नंबर पार हो गए, 350 के पार। अमित शाह का वादा पूरा, काम पूरा, पक्का इरादा। अब अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए राहुल गांधी के साथ, तो यही होना था, जनता मना चुकी। दिग्विजय सिंह, सारे जो जितने भी नेता है, सारे सबको जनता ने दिखा दिया, स्वाद चखा दिया। ये देश का जो चुनाव था जनता ने लड़ा था, मोदी जी के कार्यकर्ताओं ने लड़ा था, मोदी जी ने नहीं लड़ा था, मोदी जी बोल रहे थे, और इस मूड को कोई नहीं पहचान पाया। जनता ने मोदी का साथ दिखाया, मोदी ने जनता का साथ दिखाया, और आगे विकास ही विकास होगा देश में, यही चलेगा। सर आप क्या बोलेंगे इस बारे में? किसके बारे में? ये तो जो हासिल 300 पार हो चुकी है, 350 पहुंचने वाली है। देखिए, ये जीत है, ये विकास की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करे हैं जनता के लिए, ये उसकी जीत है। और जो जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के ऊपर था, और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश के लिए काम किए, ये उसकी जीत है। कोई कितना आरोप लगाते रहे, कोई चौकीदार चोर है बोलता रहा, कोई कुछ भी बोलता रहा, लेकिन जनता ने वो किया जो देश हित के लिए था। और ये उन सभी लोगों का बहुत बड़ा जवाब है कि अब समय बदल चुका है, राजनीति का भी और राष्ट्रनीति का भी। कहीं ना कहीं जनता की जीत है, ये जनता की ही जीत है। ये जो पहले जो नेता चुनाव लड़ते थे, लेकिन आज वो चुनाव लड़ा है जिसके घर तक बिजली पहुंची है, आज वो चुनाव लड़ा है जिसके गांव में सड़क बनी है। सर आप क्या बोलेंगे इस बारे में? 350 पार हो चुकी है बीजेपी। बीजेपी ऐसा है मैडम, ऐसा है कि अगर ये ना आती तो मुझे लग रहा कांग्रेस कभी इसकी समझ को ना समझ जाती, क्योंकि हमारे हवाई महल कभी भी अटैक ये कभी ना हो सकता, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा करा है कि हमारे 70 साल की समय में कोई भी ऐसा अटैक पाकिस्तान पर नहीं करा जो हमारी मोदी सरकार का। राहुल गांधी क्या बोलेंगे आप? राहुल गांधी तो जी बिल्कुल ही हमारे समझ से बाहर है जी। मैं आपको कहूँ, हमारे मोदी जी तो भगवान के खिलाफ है, मैं आपको कहूँगा बस।